हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। प्यारे साथियों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर आप जानते हैं, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा बहुत कुछ, टेंथ में भी पढ़ेंगे। अब तो ज़्यादा डिटेल तो बताना नहीं, क्योंकि आप बचपन में पढ़े हो, नाइन्थ में भी पढ़े हो, तो फिलहाल कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो तो आपको समझने लायक है। जैसे कि इसमें भुज और कोटि, ये दो चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक, इन्हें आपको जान लीजिए, जिसे इंग्लिश में बड़ा अजीब टाइप का होता है। मैं लिख तो दे रहा हूँ, आप देख क्या पढ़ते हैं, पढ़ के बता में अब सीखा, शायद ऐसे कुछ बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये क्या है, कैसे समझते हैं, ज़रा ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर किताबी भाषा भी मैं बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होनी। देखना, जैसे कोई निर्देशांक दिया है 5.7, जो दो गिनती होती है उसमें एक यक्स का मान होता है, दूसरा क्या होता है, वाई का मान होता है। तो बस यही पूरी कहानी है। इसमें जो यक्स का मान होता है इसे भुज बोलते हैं, जो वाई का मान होता है इसे कोटि बोलते हैं। ध्यान देना, छोटी का मंत्र रहेगा, इसे कोटि नहीं, नहीं तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो भुज और कोटि का मतलब यही हुआ। और इसे पूरे को निर्देशांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे 5.7 क्या है, ये निर्देशांक बिंदु है। अभी आप आगे पढ़ोगे कहानी तो समझ में आएगी, ठीक है। किसी निर्देशांक बिंदु यक्ष अक्ष वाले मान को भुज, किसी निर्देशांक बिंदु के यक्ष अक्ष वाले मान को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ये कहानी समझ गए हो, चलिए आगे बढ़। कुछ लोग कहेंगे इसको तो मुझे लिखने ही नहीं था भैया, इसमें लिखने का कुछ था ही नहीं था तुम्हें, मैं कुछ लिखने वाला ऐसा था ही नहीं, लिखोगे क्या, देखना आप समझना आगे कहानी क्या है। हाँ, अगला इसमें पॉइंट है मूल बिंदु, ये भी हेडिंग लिखिए, आप लिख लीजिए, मैं लिखता हूँ तो समय के लिए टाइम देता हूँ, आप चाहो तो लिख, जिसे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये, मूल बिंदु जिसे ओरिजिन बोलते हैं, समझिए ये क्या होता है। मूल बिंदु का मतलब होता है जहाँ से दोनों अक्ष जैसे एक्स और वाई स्टार्ट होते हैं, वही मूल बिंदु होता है। जैसे अगर हम ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट बनता है इसमें, तो इसमें ये क्या मूल बिंदु जिसका मान 0-0 होता है, ओरिजिन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0-0, ठीक है, समझ गए ना, मूल बिंदु यही होता है। मूल बिंदु नहीं पूछता कभी क्या होता है, ये पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। याद रहे, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0-0 होता है, बस। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब हम अपने जो आप क्लास टेंथ में पढ़ रहे हो चैप्टर में प्रवेश करते हैं, एक्सरसाइज 7.1। ध्यान से देखना, किताब खोल लो। कह रहा है क्वेश्चन कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं दिखा चल रहा हूँ, ये NCERT वाली किताब है। NCERT जो आप देखोगे UP बोर्ड, CBSE या बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सबके लिए होती है, ये किसी के लिए खास नहीं है, ठीक है। ये आपका नेशनल लेवल का जो पैटर्न होता है वही है। कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हो कॉम्पिटिशन, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ सीखना है आपको। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, अन्य बोर्ड के हैं, कहेंगे हमारे में तो NCERT लगती नहीं, देखिए आपका जो पाठ्यक्रम है ना बच्चा, बोर्ड का पाठ्यक्रम आपका NCERT ही, भले आप प्राइवेट किताबें लिए हो तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा दिया होगा, कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, कुछ कम होंगी, बस बाकी रहता है पैटर्न वही, ठीक है। इन बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन बोलो है यही कि नहीं है, सही है। अच्छा, 10 वाले बच्चे 7.1 खोल लीजिए, एक्सरसाइज 7.1,
तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ना। इस मीडियम वालों में थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है, बस यही ना। देखिए तो बच्चा आप सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लिखो, लिखिए दो बिंदुओं के बीच बराबर। ये सिंपल सा सूत्र है, इसे याद नहीं करना, मैं बता देता हूँ, याद रहे बच्चा। यक्स टू माइनस यक्स वन, याद रहे ना बस। यानी आपको पहले वाले कोष्ठक में यक्स ही लिखना है, पहले टू फिर वन। कुछ लोग वन और टू भी लिख लेते हैं सीरियल में, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही होता है। पहले आप टू लिख लो फिर वन लिख लो, तब भी सही होगा। लेकिन ध्यान रहे बीच वाला चिन्ह हमेशा प्लस रहे, ठीक है। ये होता है होल स्क्वायर, बस यही सूत्र होता है, और कुछ होता नहीं है, यही सूत्र। इसको कैसे क्वेश्चन में जामा पहनाते हैं जरा ध्यान देना। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो क्या दिया है, उसमें बिंदु दिए गए हैं दो तीन और चार एक। ये क्या है, ये दो बिंदु आपको दिए गए हैं। इन मानों को इस फार्मूले में रख करके उत्तर निकालना है, बहुत आसान है, समझिए। कमेंट के पीछे ना पढ़ो, चुन्नू मुन्नू सबका कमेंट आ रहा, मैं देख रहा हूँ। कमेंट के पीछे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ पढ़ाई करो ईमानदारी से, सिर्फ पढ़ाई। कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन अभी पढ़ाई करिए, डिस्टर्ब नहीं। तो बच्चा जो ये पहला मान होता बेटा, हमेशा मैंने बताया एक यक्स का मान होता है एक वाई का। तो चूंकि दो बिंदु है, ये यक्स वन हो जाएगा और ये वाई वन हो जाएगा। ध्यान रहे एक यक्स वन एक वाई वन, हाँ, जैसे एक राधा तो एक, एक सीता तो एक राम, एक यक्स टू एक वाई टू, समझ रहे हो ना। ऐसे ही इनका हम क्या करते हैं, मान लेकर के इसमें रखते हैं। यहाँ पर यक्स टू है, अब आगे थोड़ा जगह कम है, इसलिए हम इधर साइड करेंगे, फार्मूले में मान रखेंगे। यक्स टू का मान बोलो जल्दी का, अरे नकल करके बता दो, अकल लगा लो थोड़ा सा ना, ये दिख नहीं रहा है ना सामने भाई साहब। यहाँ से x2 का मान चार है, माइनस x1 का स्क्वायर, x1 मतलब दो का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस y2 का मान क्या है, वन है, और y1 यानी कि थ्री है, वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इतना क्लियर, कोई डाउट नहीं। 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जब इसे हम उल्टा घटाएंगे, आप सबको पता होगा बच्चा, जब 1 से 3 को सबट्रैक करोगे माइनस 2 आएगा, क्लियर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा क्या, ये भी 4 हो जाएगा, और जुड़ेगा दोनों अंदर में तो 8 हो जाएगा। फाइनल में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8, और 8 का जो वर्गमूल होता है सिस्टम से आप निकालोगे तो इतना, यही आंसर हो गया। कितना आसान है ना, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसे फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया बेटा, वो बहुत आसान है, माइनस 5, 7 है, ध्यान देना और मुझे बताना कर लोगे कि नहीं। माइनस 1 और 3, जैसे मैंने इन मानों को रखा ऐसे आप रख लोगे कि नहीं, बोलो कर लोगे कि नहीं, हो जाएगा, कमेंट तो करो, काहे डर रहे हो, ट्राई करना, नहीं ट्राई कर पाओगे मैं बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, PBR स्टडी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे किस तरह की फ्री क्लास देख पाएं, रोज सुबह 5 बजे वीडियो आ जाता है। अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो PBR स्टडी को फॉलो जरूर करें, और क्लास को लाइक करना तो कतई नहीं भूलना। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, अगली क्लास का इंतजार करिएगा। नीचे नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, आप इस पर कॉन्टैक्ट